हेलो बच्चों, मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज का जो वीडियो है उसमें हम सॉल्व करने वाले कक्षा 6 और 7 की गणित की जो कार्य पुस्तिका है, उस कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक 104। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -5 प्लस के 2, ये तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे है +6, तो 6 प्लस माइनस माइनस, तो 6 में 4 गया 2, ठीक है। +6 -4 तो कितना हुआ +2। -8 प्लस माइनस -2 प्लस +10, ठीक है। यार दोनों संख्या माइनस की है तो -10 हो जाएगा और इधर कितना है +10 हो जाएगा, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो 0 आंसर। नेक्स्ट 17 +-3 +-2, 17 में से माइनस माइनस प्लस करेंगे तो -5, 17 में से 5 गया 12, आंसर कितना आ गया 12, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करना है, हमें योगफल ज्ञात करना है, तो 152 प्लस -216 जोड़ना था, तो प्लस का निशान लगाया ना हमने, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों हो गए, तो किसका चिन्ह लगेगा माइनस का, सॉरी 152 लिखना है -216। अब 152 में से 216 तो माइनस करेंगे नहीं, 216 में से 152 माइनस करेंगे। 6 में से 2 गया 4, 11 में से 5 गया 6, कितना आ गया 64, आंसर कितना आया 64, ठीक है। किसका आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो -64, ठीक है। नेक्स्ट -513 प्लस, क्योंकि जोड़ना था हमें, -26, ठीक है। -513 प्लस माइनस माइनस 26 बराबर 6 और 3 9, 2 और 1 3 और 5, -539, ठीक है। नेक्स्ट अगला -300 +100, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 300 में से 100 माइनस करेंगे 200, और माइनस की संख्या बड़ी थी, तो आंसर भी किस में आ जाएगा माइनस में, माइनस के 200। नेक्स्ट फोर्थ -150 प्लस का निशान -200 प्लस का निशान 250, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो -150 फिर -200 +250, ये माइनस की संख्या इसलिए जुड़ जाएगी, तो 150 में 200 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 350, -350 +250, तो माइनस प्लस माइनस 350 -200 +250, तो कितना आ गया 100, -100, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। -5 +8 +-, होता है तो -13, दोनों जो माइनस की संख्या उनको जोड़ लीजिए, 13 और 5 18, -18 +8, माइनस प्लस माइनस होता है, 18 में से 8 गया तो 10 बचेगा, लेकिन बचेगा किसका, माइनस का 10, ठीक है। नेक्स्ट -17 +-17 और माइनस और माइनस +12, 17 और 17 को जोड़ा -34 +12, तो माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गया 2
और 3 में से 1 गया 2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी तो आंसर भी किसमें आएगा, माइनस के 22। नेक्स्ट अगला, माइनस 8 प्लस 18 माइनस के 17, दोनों संख्या माइनस की है 8 और 17, तो 8 में 17 जोड़ूंगी तो 25 आ जाएगा, जो माइनस का 25 होगा, प्लस प्लस के 18, तो 25 में से 18 गया तो 7 बचेगा, लेकिन माइनस की संख्या बढ़ी तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। नेक्स्ट है माइनस 50, माइनस माइनस प्लस के 40, माइनस माइनस प्लस के 10, तो माइनस के 50, प्लस प्लस है 40 और 10 को जोड़ेंगे तो 50, प्लस के 50, तो माइनस और प्लस माइनस 50 में 50 गया 0 आंसर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कार्यपत्रक 104। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।